जब दलाई लामा जी आते हैं तो वो बोधगया का बहुत बड़ी शोभा है वो। अच्छा। हमारे सिर्फ बोधगया का नहीं, हमारे पूरे भारत का बहुत बड़ी शोभा है वो। हेलो गाइस, हेलो फ्रॉम बोधगया बिहार। हेलो हेलो भैया। तो गाइस आज हम आए महाबोधि टेंपल। मैं आप सबको अंदर ले जा रहा हूँ महाबोधि टेंपल के अंदर। ये टेंपल हम बुद्धिस्ट के लिए मोस्ट होलीस्ट प्लेस माना जाता है। और इस टेंपल का इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ है भाई। आपका नाम? मेरा नाम है रवि रंजन कुमार मिश्रा। रवि रंजन कुमार। अच्छा। मैं यहाँ का गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड। अच्छा। आइए आपको। आज हम रवि के साथ है क्योंकि इस टेंपल की हिस्ट्री एक्सप्लेन करने के लिए मेरे से अच्छा रवि भाई करेंगे, तो इसलिए रवि हम दोनों जा रहा है। वाओ गाइस, फाइनली देखिए कितने अच्छे तरह से इस जगह को डेकोरेट किया गया है। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। कितने अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया है। यस। और बहुत अच्छे समय पर आप आए हैं कि ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का लोग आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे उनका 10 डेज का वो त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी हो रहा है यहाँ पे। तो अलग अलग देश के लोग अलग अलग स्थान पे बैठे हुए हैं। और देखिए कितना सुंदर इसका सजावट है, इसका जो डिवोटीज के द्वारा ये सब सजावट किया गया है। अच्छा अच्छा। और सुबह के टाइम में लोग आते हैं तो अपना फ्लावर्स वगैरह यहाँ लोग चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए सर, ये जो बड़ा मंदिर देख रहे हैं इसका नाम है महाबोधि महाविहारा टेम्पल। महाबोधि, एक्चुअली व्हाई दिस टेम्पल इज कॉल्ड महाबोधि महाविहारा, बिकॉज महा मीन्स ग्रेट, बोधि मीन्स नॉलेज, एंड विहारा मीन्स स्तूपा। बिकॉज अशोका टाइम सर, देर वॉज नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पल इन बुद्धिज्म, देर वॉज ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इन बुद्धिज्म। दैट्स वाई अशोका ही कंस्ट्रक्टेड द 30 feet ग्रेट स्तूपा हियर इन 3rd century BC। The small stupa is there, sir. Achha. So this is from 3rd century BC, sir. Achha. Made by Ashoka, Mauryan dynasty. Okay. And upper part, sir, 150 feet, made by King Samudragupta. Achha. Gupta period, 4th, 5th century AD, after 700 years, Ashoka. So this stupa constructed by two different kings, Ashoka and Samudragupta. So when this Mahabodhi temple was completed, sir, in 1205 AD, the Muhammad Bakhtiar Khilji came here after burning Nalanda University. So when he burned that Nalanda University, the 6 months continuous Nalanda University was burning, that was full of the books. That was the world largest university, sir. After that, Muhammad Bakhtiar Khilji came here and he broke that temple top parts at 30 feet, and he broke that Buddha statue here. He demolished everything here, and from the 30 feet level, sir, he covered everything in the mud. Then, sir, in 1876, the British archaeologist came here, Alexander Cunningham. He was the archaeologist and he excavated it. Then, sir, you see, this is all came out in the excavation. This is all came out in the excavation, and Lord Cunningham, he repaired it in 1883. Achha. Now, I am going to show you Ashoka pillar. Come, sir. तो ये अभी इसके जो टॉप है ना वो गोल्ड, वो कितना सर? वो गोल्ड है, ओरिजिनल 289 किलो गोल्ड है वो। 289 किलो गोल्ड, 289 किलो गोल्ड है वो जो मंदिर का टॉप पे है। अच्छा अच्छा। जो रिसेंटली 10 इयर्स पहले ये थाईलैंड का राजा के द्वारा ये सोना दान दिया गया, और ये 2013 में दिया गया था, जो मंदिर का टॉप पे देख सकते हैं दिया गया। तो 27 जून 2002 को यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया है। 2002 को 27 जून 2002। ओके, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग अशोका पिलर देखने जा रहे हैं। ये अशोका पिलर है। ये अशोका पिलर इधर दो। हम जब हम छोटा था ना बचपन में, हम इधर सिक्का फेंकता था। अभी भी लोग सिक्के फेंकते हैं इस ऊपर में। अच्छा, लेकिन अभी ऊपर वो बना दिया ना वो। इसलिए बना दिया गया है सर, ताकि मतलब वो सिक्का फेंकने से इसको मतलब कोई डैमेज ना हो ये। अच्छा। इसलिए क्योंकि लोग अपना गुड लक को चेक करते हैं इसके ऊपर फेंक करके। हाँ यार, गाइस जब हम छोटा था ना हम इधर आते और सिक्का फेंकते हैं इसके ऊपर। अभी देखो वो ऐसा क्या बोल रहे हैं, कुछ शेप ऐसा बना दिया। यहाँ पे सिक्के भी पड़े हुए मिलेंगे सर, देखिए। अच्छा अच्छा। है ना, इसके ऊपर लोग सिक्के फेंकते हैं। ये क्यों फेंकते हैं सिक्के? मतलब ये लोग अपना गुड लक चेक करते हैं वो। अच्छा। अपना विश फुलफिल होने के लिए। अच्छा अच्छा। ये लोगों की ऐसी मान्यता है ये। अच्छा। ये अशोका पिलर है सर, ये 3rd century BC का बना हुआ है ये। वाओ। तो इसके ऊपर में वो लाइन हेड कैपिटल बना हुआ था। अच्छा। जो हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम होता है। हाँ जी।
लेकिन बख्तियार खिलजी के द्वारा ये डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था। अच्छा, तो इसका जो ओरिजिनली जो हाइट था वो 100 फीट ऊंचा था ये। इसके ऊपर लायन हेड कैपिटल था और यहाँ पर वो पाली इंस्क्रिप्शन था। अच्छा, जिसको बख्तियार खिलजी यहाँ से निकाल दिया था, इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया था। तो इसका ऊपर का जो लायन हेड कैपिटल है इसका 80 फीट पार्ट्स वो कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम में रखा हुआ है, ये 20 फीट यहाँ है, इसलिए हमारा इंडिया का नेशनल जो एम्बलम लिया गया जो सारनाथ में अशोका पिलर है वहाँ से लिया गया सर। अच्छा, अभी हम लोग बहुत सुंदर एक तालाब देखने जा रहे हैं। अच्छा, जो भगवान बुद्ध का 6th वीक मेडिटेशन करने का जगह अच्छा, है वो। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ये हम लोग अभी यहाँ प्रवेश किए, ये लॉर्ड कैनिंगहम का बनाया हुआ ये वो जगह है सर जहाँ पे भगवान बुद्ध जो थे वो बोधि वृक्ष के नीचे जब उनको ज्ञान हो गया था। हाँ जी। तो ये उनका 6th वीक मेडिटेशन करने का जगह है भगवान बुद्ध का। जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो ये पूरा जंगल था और ये मूर्ति का बाएं साइड में एक छोटा सा कुंड था। तो स्नान करके यही वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध बैठ के ध्यान कर रहे थे। जब मेडिटेट कर रहे थे तो अचानक आंधी तूफान, जब वर्षा आ गई थी, जब प्राकृतिक आपदा आ गए थे, हैवी थंडर स्टॉर्म, तो एक मुचलिंदा एक नागराज निकल करके इस तरह से भगवान बुद्ध को यहाँ पे रक्षा किए थे। इसमें जो मछलियां हैं लोग छोड़ते हैं क्योंकि बुद्ध का ये कहना था अहिंसा परमो धर्म, कभी भी जीव हत्या या प्राणी हिंसा कभी नहीं करना चाहिए, ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। सही बात। अब हम लोग सर चलेंगे, ये 6th ध्यान का जगह है, अब चलेंगे 7th वीक में। अच्छा, 7th वीक। तो ऐसा अलग अलग 7 जगह ना, ये एक एक सप्ताह करके जो 7 जगह पे जो 7 सप्ताह वो ध्यान किए हैं 49 days यहाँ पे। ओके। तो हर एक वीक में उन्होंने स्थान को चेंज किए हैं भगवान बुद्ध। अच्छा। ताकि मुझे उस जगह से कोई अटैचमेंट ना हो जाए। ये बात है। हाँ। ओके। विंटर सीजन में ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। अच्छा। क्योंकि ठंडी का वक्त में ज़्यादा लोग घूमना चाहते हैं, हालांकि गर्मी के टाइम में भी बहुत काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। वैसे अभी गुरुजी दलाई लामा जी, हाँ दलाई लामा जी, हिज होलीनेस दलाई लामा जी आने वाले हैं। अब वो क्या, तो क्या लगते हैं दलाई लामा? जब दलाई लामा जी आते हैं तो वो बोधगया का बहुत बड़ी शोभा है वो। अच्छा। हमारे सिर्फ बोधगया का नहीं, हमारे पूरे भारत का बहुत बड़ी शोभा है वो। वो जब आते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। अच्छा। उनका वेलकम करते हैं हम लोग दलाई लामा जी। जब हमारे जब गुरुजी दलाई लामा जी आते हैं तो यहाँ पे बिजनेस बहुत बढ़ता है। अच्छा। बहुत बिजनेस बढ़ता है, लोगों को आमदनी होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत लोग खुश होते हैं। तो जुदा यहाँ उधर में बनेगा। हाँ, लोग जो अशोका ने जो स्तूप बनाए थे उसके पास से आप इसको देख रहे हैं। अच्छा। ये 3rd BC का है ये। ये अशोका टाइम का है, 3rd BC का है ये। और ये मूर्ति जो है ये पाला डायनेस्टी का है, 9th century AD का। अच्छा। 1000 years old मूर्ति है ये। सर ये जो भगवान बुद्ध का हम लोग मुद्रा देखते हैं, इसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। अच्छा। और ये जो उनका मुद्रा है ये टीचिंग पोस्चर है भगवान बुद्ध का सारनाथ का। अच्छा। जहाँ पे अपना पहला उपदेश दिए थे वो। और ये जो हम लोग मुद्रा देखते हैं ये ध्यान मुद्रा है, ये ध्यान मुद्रा। ये जो है ये महापरिनिर्वाणा मुद्रा है भगवान बुद्ध का, कुशीनगर का। और ये लुम्बिनी फॉरेस्ट नेपाल का है, जब उनका जन्म हुआ था तो ऐसा खड़े हुए थे और 7 कदम चले थे वहाँ पर। अब हम लोग भगवान बुद्ध का जो 7th week मेडिटेशन करने का जगह है वहाँ जा रहे हैं। अच्छा। ये देखिए ये, अच्छा ये त्रिपिटक इंटरनेशनल त्रिपिटिका 17th इंटरनेशनल त्रिपिटिका चैंटिंग सेरेमनी जो चल रहा है। यहाँ पे म्यांमार के ग्रुप लोग हैं। अच्छा, म्यांमार। हाँ। उधर देखा, इंडोनेशिया था। हाँ, तो ये देखिए ये डिफरेंट जगह पे लोग बैठ के यहाँ पे प्रे करते हैं, चैंटिंग करते हैं। कितना दिन गए? ये 2 तारीख से शुरू हुआ है। अच्छा। ये चलेगा 12 दिसंबर तक। अच्छा। ये देखिए भगवान बुद्ध का 7th week मेडिटेशन करने का जगह भगवान बुद्ध का ये है। अच्छा, ये 7th week जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे उनको जब वहाँ ज्ञान हो गया था, तो 7th week जब यहाँ पर वो बैठ के ध्यान कर रहे थे सर, तो उस समय ये जो पेड़ देख रहे हैं एक ऐसा ही पेड़ था यहाँ पे, वो खत्म हो गया है। अच्छा। तो ये पेड़ का नाम है राजा यतन। इसका एक छोटा सा रूट्स बर्मा से ला के यहाँ लगाया गया है। जो पेड़ यहाँ लग चुके हैं और बहुत काफ़ी अच्छा वेल कंडीशन में है ये। अच्छा। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो 7वां सप्ताह ध्यान व्यतीत कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, 1 सप्ताह यहाँ पे। तो बर्मा देश का यहाँ पे सर 2 बहुत बड़े व्यापारी आए थे जिनका नाम था तपुसा एंड भल्लिक। उन्होंने भगवान बुद्ध को राइस, चपाती और हनी, ए काइंड ऑफ स्पेशल स्वीट्स
भगवान बुद्ध को खाली के लिए दिए थे और उन्होंने वो टू लाइन्स का मंत्र बोले थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। ये बोला गया सारनाथ में जब वहाँ पर संघ की स्थापना हो गई। फिर भगवान बुद्ध को ये लगा कि व्यापारियों को भी कुछ देना चाहिए, तो भगवान बुद्ध ने, यही वो जगह है जहाँ अपने सर का बाल और नाखून निकाल के वो व्यापारी को दान में दिए थे। अच्छा, दोनों बिजनेसमैन यहाँ से बर्मा जाके वहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किए थे। तो भगवान बुद्ध का जो सर का बाल है और नाखून जो है, हेयर्स एंड नेल्स इन बर्मा, गोल्डन पैगोडा, रंगून सिटी, म्यांमार, एंड भगवान बुद्ध का जो टूथ रेलिक टेम्पल है वो श्रीलंका में है, कैंडी में। यहाँ पे लामा जी लोग जो है बैठ के ध्यान करते हैं, इस जगह पे लोग ध्यान करते हैं। यहाँ का जो सकारात्मक ऊर्जा है बहुत स्ट्रांग है। ये जो है ये केसर पानी है जो टिबेटियन पद्धति से, यहाँ पे महायाना पद्धति से ये लगाए जाते हैं और लोग भगवान बुद्ध के लिए ये ऑफरिंग किए हैं। ये बहुत श्रद्धा से लोग भगवान बुद्ध के लिए यहाँ पे ऑफरिंग करते हैं। इसमें देख सकते हैं सर कि भगवान बुद्ध का दोनों पैर का निशान है, इसमें सिंगल पैर का निशान है जो सम्राट अशोक राजा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 2300 वर्ष पुराना ये भगवान बुद्ध का चरण है और ये बोधि वृक्ष है जिसके नीचे सिद्धार्थ को आज से लगभग 2600 वर्ष पहले यहाँ उनको बैसाखी पूर्णिमा का दिन ज्ञान मिला था, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तो ये बौद्धों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है ये, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने थे और पूरे विश्व का लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे पूजा वंदना करते हैं। और क्योंकि भगवान बुद्ध का ज्ञान का स्थान ये है, यहाँ पे लोग आते हैं तो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। ये वो जगह हम आ गए हैं जहाँ सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने थे और पूरे विश्व को भगवान बुद्ध ने सत्य, अहिंसा और शांति का मार्ग उन्होंने बताए थे। तो जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने थे, उस पेड़ को सम्राट अशोक राजा की पत्नी ने कटवा दिए थे, क्योंकि वो एंटी बुद्धिज्म थे, वो अगेंस्ट ऑफ बुद्धिज्म, वो पहले वाला पेड़ जो हाँ, लेकिन वो जल से जो सेकंड बोधि वृक्ष यहाँ पे निकला वो शशांक के द्वारा काट दिया गया था, वो बंगाल का राजा था, वो भी अगेंस्ट था बुद्धिज्म का। तीसरा पेड़ आंधी तूफान बारिश से नष्ट हो गया था। ये जो फोर्थ जनरेशन का वृक्ष है, ये वृक्ष 140 साल पुराना है, ये फोर्थ है हाँ, ये फोर्थ जनरेशन है। और जब यहाँ पहला बोधि वृक्ष था तो अशोका का बेटा और बेटी, हिज सन एंड डॉटर्स, महेंद्र और संगमित्रा ने यहाँ से पहला वृक्ष का एक शाखा को ले जा करके उसको श्रीलंका का अनुराधापुर में लगा दिए थे। आज भी वो 2300 साल पुराना बोधि वृक्ष वहाँ लगे हुए हैं। और जब तीसरा पेड़ यहाँ खत्म हुआ तो फिर लॉर्ड कनिंघम श्रीलंका अनुराधापुर गए, वहाँ से पहला वृक्ष का शाखा ला के यहाँ लगाए। तो ये फोर्थ जनरेशन है और 140 साल पुराना ये पेड़ है। एंड दिस इज द सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा वंदना का प्रमुख स्थान ये है। लोग दूर दूर से आता है, बहुत पूरे 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 विश्व का लोग यहाँ आते हैं। अच्छा। यहाँ लोग माथा टेकते हैं। अच्छा। यहाँ पे माथा टेकते हैं भगवान बुद्ध से, हैप्पीनेस के लिए, गुड लाइफ के लिए प्रे करते हैं। लोग यहाँ पर कहीं पर भी बैठ करके मेडिटेट कर सकते हैं, ये पूरा मेडिटेशन करने का जगह है, कहीं पर भी लोग बैठ कर ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ इस जगह में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है इस तरह का स्थान पे, तो यहाँ पे लोग बैठ के लोग ध्यान करते हैं। पूरे जापान, थाईलैंड, भूटान, तिब्बत, चाइना, हर देश का लोग यहाँ आते हैं और सब जगह लोग बैठ के ध्यान करते हैं, यहाँ का जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको फीलिंग करते हैं। अमेजिंग। अब हम लोग ये तीसरा सप्ताह भगवान बुद्ध का ध्यान का स्थान को देख रहे हैं। हाँ, ये थर्ड वीक में हम लोग आए हैं सर। अच्छा। ये वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने 7 दिन तक वॉकिंग मेडिटेशन करते थे। अच्छा। वो चलते हुए ध्यान किए हैं भगवान बुद्ध यहाँ पर, और अपने अपने पैर को ये जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध रखे हैं, तो ये वो जगह है जहाँ से असली कमल जो है ना वो निकला था। तो अशोका के द्वारा ये पत्थर पे कमल का, अशोका के द्वारा ये पत्थर पे कमल का निर्माण किया गया है। और ये जो पत्थर पे कमल बने हैं ये ब्रिटिश कनिंघम के द्वारा बनाया गया। अच्छा। इसका रिप्लिका है वो। लेकिन थर्ड वीक जो भगवान बुद्ध का वॉकिंग मेडिटेशन करने का जो जगह है वो ये है। वाओ।
अब हम लोग भगवान बुद्ध का जो फोर्थ वीक मेडिटेशन का जगह है वो जहाँ वहाँ जा रहे हैं। ये सब स्तूपा है, प्राचीन स्तूपा जो उत्खनन करके इसको निकाला गया, उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। ये फोर्थ वीक है, हाँ फोर्थ वीक अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। अभी यहाँ पे सभी मॉन्क्स लोग, लामा जी लोग यहाँ पे बैठ के ध्यान करते हैं। वो लंच का टाइम है तो लंच करने चले गए, फिर लंच करके यहाँ पे हैं और यहाँ पे ध्यान करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। वाओ गाइस, गाइस आप इधर आते हैं ना आपके अंदर बहुत सुकून मिलता है ना। हाँ देखिए बहुत 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 शांति है, एनर्जी अलग एनर्जी अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग होता है। हाँ जी जरूर भैया, देखिए सर फोर्थ ये फोर्थ फोर्थ मेडिटेशन प्लेस भगवान बुद्ध का ये है। अच्छा अच्छा, यही वो जगह है जब भगवान बुद्ध यहाँ पे ध्यान कर रहे थे, यहाँ पे इस जगह पे बैठ के, तो उन्होंने चिंतन किया था, डीपली कॉन्सेंट्रेशन अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, कि ये संसार में लेट इज कॉल प्रतित्य समुत्पादा, ये संसार में किसी भी चीज की उत्पत्ति है तो कारण है। और बुद्ध का ही कहना था, भगवान बुद्ध का, कि ये संसार में सबसे बड़ा यदि कोई दुख का कारण है तो वह है अननेसेसरी डिजायर्स एंड अननेसेसरी अटैचमेंट्स। प्राणी हिंसा जीव हत्या कभी नहीं करना चाहिए, कभी किसी को चीटिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए और कोई भी गलत विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए, ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। बस ये हमारा गुरुजी दलाई लामा जी भी हर रोज कहता है कि दूसरे को मदद करो, और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो आप उन्हें दूसरे को नुकसान मत करो, है ना। यही वो है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म भगवान। हाँ जी हाँ जी, दलाई लामा हिज होलीनेस दलाई लामा जी का भी यही कर। अब लोग तेसर मानते हैं, कुछ लोग तारा देवी मानते हैं। अच्छा अच्छा, और एक तारा देवी का वहाँ है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग बैठ के प्रेयर करते हैं। अच्छा, और उस पूजा का नाम है मंडाला पूजा। अच्छा, मंडाला जो वर्ल्ड पीस है, यूनिवर्सल पीस के लिए यहाँ पे किया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस के लिए। और अभी ये जो स्तूपा के अंदर में जो भगवान बुद्ध का मूर्ति है, ये देखिए सर, ये कितना मूर्ति है, ये 1000 वर्ष पुराने बुद्ध का मूर्ति है। ये मूर्ति काले पत्थर का था, इस पे समय समय पे सोने का पॉलिश होते रहते हैं। इधर से अंदर जाके आराम से दर्शन करके आइए। चलो अंदर चढ़ाते हैं। और ये सब वो खंडित मूर्ति है जो बख्तियार खिलजी के द्वारा ये डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था। अच्छा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी में आग लगा दिया था। ये भगवान बुद्ध का वो खंडित मूर्ति है। ये बेल है सर जो अष्ट धातु का बना हुआ है, इस मेडिटेशन बेल है, इसको ऐसे बजाते हैं। ये कितना पुराना है? ये 1996 में, 1996 में बर्मा का राजा यहाँ दान दिए थे, लेकिन बहुत काफी लंबे समय से ये बर्मा में वहाँ रखे हुए थे। और पांचवा सप्ताह जो भगवान बुद्ध ध्यान बिताए थे सर, वो यहाँ पे फिफ्थ मेडिटेशन प्लेस भगवान बुद्ध का ये है। और उसमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था जो आंधी तूफान बारिश से खत्म हो गया था, तो उस पेड़ के याद में सर अशोका ने ये सैंड स्टोन पत्थर का ये पिलर बनाए थे। एंड दिस इज द प्लेस वेयर बुद्ध, हियर ही रिप्लाइड टू अ ब्राह्मणा दैट ओनली बाय वन्स डीड्स वन बिकम्स अ ब्राह्मण नॉट बाय बर्थ। तो ये भगवान बुद्ध का फिफ्थ वीक मेडिटेशन करने का जगह है। अच्छा। और फर्स्ट वीक अंडर द बोधि वृक्ष जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सेकेंड वीक ये देखिए सर, ये जो अनिमेश लोचन जो स्तूपा है, ये यहाँ से वो खड़े होके
अच्छा। बोधि वृक्ष पेड़ को भगवान बुद्ध देखा करते थे। अच्छा। 7 दिन तक अपने आंख के पलक को बंद नहीं किए थे यहाँ पर। और 3rd वीक में जहाँ चल के ध्यान किए तो अशोका ने वहाँ पत्थर पे कमल बनाए हैं, कमल निकला। अच्छा, अच्छा। और 4th वीक जहाँ उनका शरीर से लाइट निकला था और उन्होंने चिंतन किया था कि संसार में दुख का कारण क्या है, रतन घर। 5वां सप्ताह यहाँ जहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को टीचिंग किए थे। 6th द मुचलिंदा पॉन्ड और 7th जहाँ वो बर्मा देश का 2 व्यापारी आए थे, तपुसा एंड फल्लिक, जहाँ भगवान बुद्ध ने उनको हेयर और नेल्स डोनेट किए। आपका जो मन है ये वो 2nd वीक ध्यान करने का जगह है भगवान बुद्ध का। यही वो जगह है जहाँ से भगवान बुद्ध जो थे वो बोधि वृक्ष पेड़ को देखते थे और 7 डेज तक उन्होंने अपने आंख के पलक को बंद नहीं किए थे। तो अनिमेष लोचन बोलते हैं इसको। लोचन का मतलब आंख होता है और अनिमेष का मतलब होता है आंख का ऊपरी सतह। अच्छा सर, तो मैंने तो बताने का पूरा कंप्लीट कर दिए, आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं जा सकता हूँ। थैंक यू रवि, आप बहुत, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सर इसके। थैंक यू। भैया ओके, ठीक है सर, ओके, गुड डे देन। अभी हम थोड़ा चक्कर राउंड मारते हैं, ठीक है सर, ओके, गुड डे, ठीक है सर, ओके ओके। अच्छा सर, मेरा जूता कहाँ रखा है, बोल जाऊँ। जूता कहाँ? अच्छा, जूता नीचे रखा। ओके, चलो रवि भाई, गुड डे। नीचे जाके शूज पहन सकते हैं सर? कहाँ से? यहाँ से? यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा सर, ओके, गुड डे। वाओ गाइस, गाइस इतना नॉलेज तो मेरे को भी पता नहीं था। 89 kg का सॉलिड गोल्ड लगा हुआ है। आज हमने बहुत सीखा है। मैंने देखो भाई, हम हर साल यहाँ आते हैं लेकिन इतना नॉलेज हमें को नहीं था, लेकिन आज हमने बहुत सीखा है और आप सबने भी सीखा होगा। चलो अभी थोड़ा हम राउंड मारते हैं, चक्कर मारते हैं मंदिर को। अभी गुरु जी लोग, मैंने इतना चेंज लिया है, गुरु जी लोग को शरण आते हैं। लो गुरु जी, बुद्धम शरणम गच्छामि। पत्ता ले लीजिए, शुक्रिया। पैसा दे दीजिए, पैसा और पैसा चाहिए आपको? अच्छा, और पैसा चाहिए? लो जी, आपको तो दे दिया मैंने, दे दिया ना, दे दिया। दूसरी रहा है ना? अच्छा अच्छा, आप कहाँ से? मैं लद्दाख से। लद्दाख से? झूले झूले बोला, झूले कभी ना भूले। हम लद्दाख गए थे हम। अच्छा अच्छा, ये अच्छा है ना? हाँ, लद्दाख बहुत अच्छा जगह है। हम चोकलम सर में पढ़ा था। अच्छा जी, ठीक है जी। आप लद्दाख की? लद्दाख की? आप लद्दाख कहाँ से? सिटी से। सिटी? अच्छा अच्छा, और इधर हर साल आते हैं पूजा करने? हासिल है, कैसा है इधर? अच्छा लगता है आपको इधर? अच्छा अच्छा। ओ गाइस, लद्दाख से भी आया है अनिल जी। लद्दाख, स्पीति, कुन्नू, भूटान से भी आता है इधर। व्हाट यू कमिंग फ्रॉम? मी कमिंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली? यू आर फर्स्ट टाइम कमिंग हियर? यस, फर्स्ट टाइम कमिंग। यू? आई एम फ्रॉम नालंदा। नालंदा, दिस वन इज फॉर यू। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रवि साक्या। रवि साक्या। यू? धम्मा। धम्मा, दिस वन इज फॉर यू। एंड यू, व्हाट्स योर नेम? व्हाट इज योर नेम? संजीत। संजीत बंते। आई एम स्टूडेंट। यू गिव 100 पेन पेंसिल।
What? One hundred pencil book. Pencil book. Yes, I'm a book. Study. Yes, I'm a study here. You are study? Yes. So what? English. So? English, SST, math, science, GK, computer. You want books? Yes. Or pencil? Yes. Okay. I'll buy you. How many? I am 10 student. Here from 1 kilometer, Parinirmana temple. Hindi aate aapko? Hindi aate? Mere ko bhi aata hai Hindi. Kya karega aap kitab pen? Padhai karta hai. Likhenga? Kaam bhi milenga phir abhi? Bahar mein milega copies. To kab jayenge aap? Abhi hum log nahi jayega, abhi idhar mein chanting chalta hai. Phir hum baad mein aayenge. Okay? Okay. Bye. बच्चे लोग बोल रहे हैं पेन और किताब खरीदो, लेकिन मेरे को थोड़ा शक हुआ ये वो लोग ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, तो इसलिए मैंने वैसे मैंने 20 पीस तो दिए कैसे दले आनी दासो नीला खो 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 दासो 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 नीला दासो बस मैंने ये थोड़ा चेंज किया, यहाँ बस बाबू जी भी बैठे ऐसे दले हवा नहीं रे पला पला हवा नहीं लद्दाख पा रहे हवा ने लद्दाख से लद्दाख आप लद्दाख की हाँ जी अच्छा लद्दाख की झूले झूले हम दिल्ली से आए हैं दिल्ली से आए हैं हाँ जी अच्छा अब कब आया इधर दो यहाँ तो चौदह को मरंग दिसंबर को पहुँचा नहीं इधर आप कब पहुँचा आप यहाँ पर हाँ इधर मैं दो मरंग नवंबर को पहुँचा दो नवंबर को हाँ तो आप कितना बनेंगे आप यहाँ पर एंडिंग फरवरी तक फरवरी तक एवरी ईयर ईयर तो आप हर साल आते हैं इधर हर साल अब अकेला किसके अकेला 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 तो कहाँ आपको आप रात में कहाँ बैठते हो घर में जगह तो मिल जाता है जगह मिल जाता है मिल जाता है खाना हम अलग से कहीं कहीं कहते कभी होटल पर कहीं कभी हो जाता है अच्छा हाँ वाह तो आप ऐसा ये मेरे साथी मेरे साथी इसलिए नहीं बैठता है हाँ मैं मीट नहीं खाता मीट नहीं खाता है हाँ ओह माय गॉड मी टू मैं भी नहीं खाता हूँ अच्छा ठीक है मैं अंडा भी नहीं खाता ओ अंडा मैं तो अंडा खाता हूँ अच्छा ठीक है अच्छा तो मैं प्याज नहीं खाता अच्छा आप मीट क्यों नहीं खाता हाँ आप क्यों नहीं मीट क्यों नहीं खाता मीट खाता फिर हुआ नहीं मीट महंगा जब किसका उसमें है नहीं फिर अच्छा जब मीट खाया तो फिर क्या कुछ रहा ना इंसान का है कि नहीं सही का तो आप कहाँ के ये क्या पढ़ रहे हैं ये है पुस्तक पढ़ना पड़ता है ये आयु के इस तरह ये किसी लोने का उसने हमें बोलते थे इस तरह करो तो और आप हर साल यही इसी लोकेशन जगह पे बैठे आप कभी पिछले साल इधर तक अच्छा पिछले साल यहाँ बैठे आपने और जो वो जमा है अच्छा अच्छा तो उसको उठाने का कोई भी नहीं आप मैं यहाँ बैठ तो यहाँ दिन भर बैठते हैं फिर दिन भर बैठे सुबह आया दिन को कभी भी इधर तक इधर बस खाना यहाँ तो मैट्रेस अच्छा आपने रखा है मैट्रेस ऐसा चाहिए आपको मैं लाएंगा अगर ऐसा दें दें मैट्रेस ऐसा आप जरूरत नहीं आप ऐसा ही ठीक है ठीक है ऐसा ज्यादा ऊंचा भी नहीं हो ये क्या लगा है बक्सा बक्सा लगा है सर्दी का है ना अच्छा अच्छा इसे ये तो सर्दी लगता है तो कुछ बचाव के लिए थोड़ा तो करना पड़ेगा ना ऊंचा होना चाहिए अच्छा तो आपका बीबी बच्चा कहाँ है अभी लद्दाख में लद्दाख में है अच्छा हाँ जी क्या बात यार आपको देख कर ना हमें बहुत इंस्पायर होते हैं आप इतना उम्र में इतना पूजा करते हैं आप जो कर रहे हैं ना ये मेरा सपना है अच्छा ऐसा ही है मैं 2011 से यहाँ रेगुलर रहता हूँ 2011 से आपका उम्र क्या है अभी वैसे अभी 94 94 यस वो
My dad had birthed this 28. What? 28. Yeah. Kya hai 28? 1928. 1928 भी आपका जन्म हुआ है. वाह आप बहुत अभी इसी तरह आप जिए. क्या बात. तो आप फरवरी तक यहाँ पे बिना ठीक है. अच्छा क्या आप अलग लगाने की जरूरत है. वाह आप यहाँ कान में कुछ कमी है. पूरे ठीक ठाक चलता करता है. अब करना पड़ेगा ना बर्दाश्त करना पड़ेगा. हाँ जी हाँ जी. आपका नाम क्या है. मेरा नाम है नवांग पलचौर. नवांग पलचौर. और लोग चप्पल वाला छत हुए चिच्चे बोलो छत हुए मेरा नाम. वैसे मेरा नाम है ना नवांग पलचौर. आम लोग लद्दाखी क्या कहते हैं गुरु जी. अच्छा गुरु जी कहेगा तो सारे को पता है. ये बहुत दे दिया. नहीं कोई बात नहीं. आपको सुनम छपे दिए ये बहुत जल्दी. आप इधर इधर खाना करते क्या काम करते आप. कहाँ बैठे कहाँ हैं आप. मैं दिल्ली में. दिल्ली में है. दिल्ली में बिजनेस. बिजनेस मशहूर टेलर में बैठा है. हाँ कभी कभी जब दिल्ली आता है. अच्छा मशहूर टेलर में आता है वो गलियों में कुछ माने के लिए या पुस्तक के लिए आना पड़ता है. अच्छा अच्छा इस तरह से. हाँ ठीक है आप. अच्छा अच्छा इस तरह से कम कम कोई ना कोई जॉब करना चाहिए. अच्छा अच्छा आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हमें. अच्छा दो बहुत 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 थैंक्स. फिर हम चलते हैं ना. आप चाय पानी मेहरबानी. और आपको किसी चीज़ का ज़रूरत है मैं ला के देंगे आपको. नहीं 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 मैं बिल्कुल सिंपल. सिंपल. हाँ शॉल शॉल है. देखो ना देखो ना बहुत ऊंचा करता है. अच्छा पीछे भी होना चाहिए आगे भी होना चाहिए. ये तो जरा बर्दाश्त करना पड़ेगा. ये असली वो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना. तो देखो ये बहुत सारे ऐसे जानवर है जिनको ना बिछाने का है ना पहनने के लिए है ना खाने का भी कुछ न पीने का. तो हम इतना होते हुए थोड़ा सा तो हम भी बर्दाश्त करना पड़ेगा ना. इसमें कुछ बहुत परहेज करना पड़ेगा. सही बात सही है कि नहीं. सही बात. ये बहुत फिर भी आपको कुछ चाहिए तो मेरे को बता. बहुत 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 आपका याद करना बहुत बहुत बहुत. आपका नाम क्या है. मेरा नाम तंजिन कुंचोक. तंजिन कुंचोक मजबूत किला में आप रहते हैं. जो मंदिर के सामने कभी मैं दिल्ली आ जाऊँ तो आपसे मिलूंगा मैं. हाँ मिलना ठीक है. आप पहचान लेंगे जल्दी से मुझे. मैं तो आपको पहचान लेंगे. मैं जरा नहीं कोई बात नहीं मैं आपको पहचान लेंगे ना. जब मैं गली में फैलता हूँ ना तो वहाँ मंदिर के सामने वो चाय पिलाते हैं. अच्छा चाय पिलाता पीता हूँ तो अब ये ड्रिंक वगैरह वगैरह कुछ परहेज करना पड़ता है. सब कुछ सहना पड़ता है. हाँ जी जरूर है कि नहीं. बहुत बहुत चलो ऑपरेशन. आपको पक्का कुछ नहीं चाहिए. हाँ शॉल शॉल कंबल कंबल नहीं नहीं कुछ. आप तो बस बर्दाश्त करना पड़ेगा. ठीक है ठीक. हम आराम तलब नहीं है. ओके आपसे बहुत बहुत थैंक्स. बहुत सही पर वेरी 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 सही. मशहूर किला में याद करना. ठीक है मैं आऊँगा गली में. ओके गाँव में आमतौर पर वो मंदिर है ना दो. हाँ जी उनमें पढ़ना करता हूँ. ठीक है. और भी हम वहाँ वो चक्कर लगाते हैं चाय पी के फिर गलियों में कुछ इधर उधर ढूंढता हूँ. ओके चलो आपको कर देती है. बस शुभ बहुत बहुत थैंक. तो पाला जी यहीं बैठते हैं पूजा करके. ए अनिला कहाँ नहीं रानी. लद्दाख. अरे लास्ट लद्दाख की रहे पेपर है. लद्दाख की. अच्छा झूले जानस्कार नहीं रहे. हाँ जानस्कार. वाह जानस्कार से आया आप लोग कितना दूर से. जानस्कार से भी आया इधर. मैं जाने वाला था पहले जब मैं लद्दाख गया ना जानस्कार.
जब गुरुजी आया दलेलम जी डांस कर पे आया ना। चलो फिर बाद में मिलते हैं। चलो अभी और हम चक्कर लगाते हैं मंदिर को, शायद हम इस तरफ से जाएगा। चलो तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ आते हैं तो, और अगर आप लोगों को ऐसे बुजुर्ग आदमी जो सच्चे दिल से पूजा करते हैं, तो उन लोगों को आप मदद करें, है ना। यही तो है धर्म। यहाँ पर भी काफ़ी गुरुजी है, सबको हम बांट देते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। साधु 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 ओ साधु साधु साधु, थैंक यू, वेलकम वेलकम, प्लीज, थैंक यू सो मच, वाओ दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, पुल दी अप। तो इधर है नहीं कोई, ये फूल दिया साधु जी ने, फूल जी ही चला लेते हैं हम। अभी तम के पटाना पड़े धमाल में ठीक है, पटाना पच्चे उद्देश्य कहाँ से आया है? हम दिल्ली से आया है। अब यहीं गए ना? ना हम भी वृंदावन से आया। हाँ, पहले गए थे आसाम, गए थे गुवाहाटी। गुवाहाटी आसाम से आप? गुवाहाटी आसाम, तो वहाँ कामरूप गए थे सीखे। अच्छा, वहाँ रेखा भजी से। तो ये आप क्या करते हैं, हाथ पर लेते हैं? हाँ देखते हैं, शायद हम भी पर लेते हैं अपने हाथ। हमने लास्ट टाइम नेपाल में पर है। हाँ नेपाल में भी पर है, हमने एक बाबा जी को देखा था। ठीक, और आज हम बोध गया में देखेंगे हाथ। हाँ देखो क्या हमारे हाथ में, देखो आपका क्या, देखो क्या। नहीं नहीं, मेरे को नहीं आता है, किसी ने मेरा का देखा है हाथ, ये बोल रहा हूँ मैं। वाह, ये एजुकेशन बड़ा गुड है। एजुकेशन गुड है? गुड है। अच्छा, वेरी गुड है, वेरी गुड है। और यहाँ ही जॉब है? हाँ जॉब जॉब। अच्छा, आयु आपका 95 तक के दुनिया में रहोगे? 95। अभी अभी आपका शरीर स्वस्थ है? स्वस्थ है, माने कोई रोग नहीं। अच्छा, अभी आप स्वस्थ हैं? अच्छा अच्छा, कोई रोग नहीं। अच्छा, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं। ओके, दूसरा जहाँ जन्मभूमि आपका था ना? हाँ, यहाँ जो बकाल जन्मभूमि था ना, तुम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? तुम छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया? छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? फ्लैट छोड़ दिया है। फ्लैट? हाँ, और यहाँ तो बड़ा नया फ्लैट जो है वो खरीदोगे। नया फ्लैट भाग में लिखा है, नया फ्लैट। अच्छा, यहाँ है नया फ्लैट मिलेगा मेरे को? मिलेगा। अच्छा, नया फ्लैट मिलेगा। कब मिलेगा? थोड़ा सा बिलम है। अच्छा चलो देखते हैं। हाँ गाइस, नया फ्लैट मिलने वाला है मेरे को। वाइफ जो है सो वन पीस है। वाइफ? स्त्री वन पीस। क्या? औरत। अच्छा, मेरा बीबी वाइफ। वाइफ? हाँ। क्या पसंद करके कियो? हाँ पसंद करके कियो, पसंद करके। अच्छा अच्छा, अरेंज नहीं करने का? हाँ हाँ, ये लिखा है कि यार पसंद करके किया है। अच्छा, बहुत अच्छा परिवार है, एजुकेशन पाए हुए। अच्छा अच्छा, परिवार भी एजुकेशन पा रहे। अच्छा जी, उसका भी समझो कि अच्छा है। अच्छा, दो लड़का एक लड़की पैदा करोगे? दो लड़का एक लड़की? हाँ। तीन बच्चा? वाह गाइस, नेपाल में मैंने चेक किया था बाबा जी, वो भी बोल रहा था मेरे को तीन बच्चा होगा। और अभी यहाँ बाबा जी ने तो और ज्यादा डिटेल बोल दिया। ना ना, दो लड़का एक लड़की? हाँ तीन है। चलो तीन है, दो लड़का एक लड़की। ओके, इसमें इसमें जो है ना गोले गोले चक्र है। गोले गोले चक्र है? चक्र है क्या भगवान का? हाँ, जैसे भगवान यहाँ पैर रखे थे ना, तो वहाँ उनके भगवान के जहाँ पैर पर रखे ना, वहाँ चक्र चक्र पड़ा था, पैरवा में चक्र था भगवान के बुद्ध। अच्छा अच्छा, तुम्हारा यहाँ हाथ में चक्र था?
ऐसा नहीं, बड़ी लकी होता है। लकी है हाँ, जिस काम में तुम हाथ बटा दोगे हाँ, उसमें तुम हारोगे नहीं, वाह ओके, विजय प्राप्त करोगे। मेहनती आदमी, मेहनत करने वाला आदमी है, मेहनत करने वाला। अच्छा, पढ़ाई के साथ मेहनत रात दिन करते हो। अच्छा, दिन में भी करते हो, रात में भी करते, खटते हो खूब, माने परिश्रमी आदमी हो। ओके, माने कोई तरह की कमजोरी कुछ नहीं रखते हो। अच्छा अच्छा, मेहनत करते हो कि हम आगे बढ़ें। और यहाँ तुम्हारा फ्लैट ले आएगा बहुत जल्दी, फ्लैट ले आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ थोड़ा मनी का अभाव। ठीक है, और चलो लोन नहीं लोगे हाँ? मकान लेने के लिए फ्लैट लेने के लिए लोन नहीं लोगे? लोन नहीं ले नहीं लोगे। अच्छा, नगद खरीद लोगे, बना बना हुआ फ्लैट? वाह, मैं सीधा खरीद लेगा? हाँ खरीद लेगा। वाह, रुपया होगा तो इतना पैसा कहाँ से आएगा मेरे को? भगवान देगा, हाँ ईश्वर देगा, तुम्हारा तकदीर में लिखा कोई काट नहीं सकता। भगवान देगा मेरे को पैसा? कोई जिसका लिखा हुआ है कोई काट नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। वाह, ब्रह्मा लिखते हैं ना, तो ब्रह्मा इसमें जो लिखा है ठीक, तो ये तो अच्छी बात है। फिर मेरे को एक फ्लैट मिलेगा मेरे, जहाँ मेरे को लोन देने का जरूरत नहीं है। बहुत बहुत गरीब परिवार से तुम आगे बढ़े हो। बहुत गरीब परिवार से है आगे बढ़े हो? आगे बढ़े हो हाँ। अच्छा अच्छा, परिवार भी बढ़ा और तुम भी बढ़ा, और तुम्हारा दिल दरियाव है, दिल साफ है, दिल साफ है, दिल साफ होना चाहिए भाई, साफ है। और तुम्हारे किसी को निंदा शिकायत नहीं करते हो? क्या करते हैं? किसी को चुगली और निंदा शिकायत नहीं करते हो? चुगली नहीं करता है? किसी को चुगली नहीं करते हो, निंदा शिकायत नहीं करते हो? अच्छा, किसी को माने सबको मान सम्मान देते हो? अच्छा अच्छा, माने समाज में तुम्हारे जहाँ हो ना इज्जत है। अच्छा, माने गुड विल इज्जत है वहाँ, कोई आपका दिक्कत नहीं। ओके, और कोई गहरा उरा नहीं, बस ऑल द बेस्ट, कोई गहरा नहीं है। थैंक यू बाबू जी, भैया फ्लैट लोगे ये आप और रख लीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है जी? कितना होगा? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बाबा जी। कितना होगा बताओ? 100। ठीक है, ओके भैया, मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू, आपको दे दिया ना? दिया, ठीक है हाँ। हमारे संगी आया है हाँ, नहीं मिला है कि? अच्छा, आपको नहीं मिला? नहीं मिला, अभी आया, अभी आया, अभी आया, अभी आया हमारे संगी। ओ साधु साधु साधु, आपको दे दिया ना? नहीं दिया, साधु साधु साधु, खुश सुखी रहो, खुश रहो आप, खुश रहो। चलो मिलते हैं आप सबसे, बाय 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 बाय, मिलते हैं अगले बार, चलो बाय बाय।